सच में यहाँ का नज़ारा बहुत ही गजब का था। फिर उसके बाद भैया बारी बारी से हम लोग ने नहाया। बाबा मिल गए तो उनके साथ थोड़ी बहुत मौज मस्ती की। हम बोले तो भैया खेरेश्वर पहुँचते ही सबसे पहले हम लोग ने मेले का नज़ारा लिया। मेला घूमते घूमते हम लोग मंदिर की तरफ चल दिए। यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ लगी थी। भैया रास्ते में चल रहा था भंडारा, तो भंडारा कैसे मिस कर सकते हैं हम लोग। नमस्कार दोस्तों, आप हैं कानपुर के घुमक्कल लौंडे के साथ। तो भैया सावन का महीना चल रहा है और आज सोमवार भी है। तो भैया सवेरे सवेरे ऋतिक ने बोला कि चलो चला जाए खेरेश्वर गंगा नहाने और भोले बाबा के दर्शन भी करके आया जाए। तो फिर का भैया हम दो लोग हो गए और ले लिया साथ में सुदामा जी को, फिर चल दिए। रास्ते में भैया काफी रौनक थी, काफी लोग आ जा रहे थे, जो देखने में बहुत बढ़िया लग रहा था। और भैया हम लोग कब खेरेश्वर पहुंच गए पता ही नहीं चला। ये देखो भैया, ये लगा है खेरेश्वर का मेला। मगर भैया अभी हम लोग यहाँ पे नहीं रुकेंगे, पहले चलेंगे सरैया घाट गंगा नहाने, फिर उसके बाद यहाँ वापस आएंगे। तो चलिए। भैया रास्ते में हम लोगों ने लड़कियों और औरतों को देखा जो साइकिल से गंगा नहाने जा रही थी। और थोड़ी देर बाद हम लोग सरैया घाट भी पहुंच गए। तो भैया सरैया घाट पे भी काफी भीड़ थी, काफी लोग गंगा नहाने आए थे। गाड़ियों की तो लाइन लगी पड़ी थी। ओ भैया गंगा घाट का दृश्य देख के तो मन प्रसन्न हो गया, बड़ा मजा आया ये दृश्य देख के। तो ऋतिक ने बोला भैया अभी नहाया थोड़ी देर में जाएगा, पहले यहाँ पे घूमते हैं, यहाँ का नज़ारा लेते हैं और थोड़ा बहुत फोटो वोटो खींचते हैं। सच में यहाँ का नज़ारा बहुत ही गजब का था। तो भैया हम लोग ने यहाँ का नज़ारा लिया और फोटो भी ली। फिर गंगा नहाने से पहले नंगे धुड़ंगे होके फोटो ली, फिर भैया दांत दिखा के भी फोटो ली। फिर उसके बाद भैया बारी बारी से हम लोग ने नहाया। ऋतिक नहाया तो भैया हमने वीडियो बनाई।
फिर जब हमने नहाया तो ऋतिक ने वीडियो बनाई। और भैया नहाते हुए भी फोटो ली। फिर उसके बाद ऋतिक ने बोतल में गंगा जल भरा घर ले जाने के लिए। गंगा नहाने के बाद भैया ऋतिक ने चंदन और तिलक लगवाया। हमें किसी कारणवश मंदिर में जाना मना था, इसलिए हमने नहीं लगवाया। फिर उसके बाद फोटो ली। फिर एक बाबा मिल गए तो उनके साथ थोड़ी बहुत मौज मस्ती की। बम बोले। कहाँ से बाबा? मनावा से बाबा। मनावा? ये कहाँ पे पड़ता है? ये तकबन के पास। पाक। तकबन? मतलब ये जिल? अच्छा बिल्लौर, बिल्लौर में। बिल्लौर के पास रहते हैं। तेरी गति से राजा दयालु साहब। नहाने आए थे, पैसा थोड़ी लाए थे। पैसा कहाँ ला? जिल्ला मिया खेत में खाली हाथ नहीं आया दयालु। उसमें राम राम बोल दो। राम 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 बोल दो। पुत्तन भैया राम राम। पुत्तन भैया राम राम। आप दान तो कर दे। बोले पैसा नहीं लाए, कहा नहाने आए, चड्डी अड्डी लाए लाए वो लेना बताओ। चड्डी रखी इतनी बड़ी गाड़ी से चल रहे बाबू जी छोटे। वो हमारे गाड़ी नहीं, हमको बैठाल के लाया है वो। राजा दयालु है, दयालु दिलवा दे। उसके बाद भैया हम लोग निकल लिए खेरेश्वर की तरफ। तो भैया खेरेश्वर पहुंचते ही सबसे पहले हम लोग ने मेले का नजारा लिया। मेला घूमते घूमते हम लोग मंदिर की तरफ चल दिए। गली में भी कई दुकानें लगी थी। यहाँ पहुँचे तो देखा भैया यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ लगी थी। ऋतिक और सुदामा दर्शन के लिए चले गए। फिर उसके बाद यहाँ पर भी हम लोग ने कई फोटो ली। दर्शन करने के बाद भैया हम लोग आगे की ओर निकल लिए। तो भैया रास्ते में चल रहा था भंडारा, तो भंडारा कैसे मिस कर सकते हैं हम लोग? कहे कि भैया भंडारा खाने का मजा ही अलग होता है।
बेच गए हैं। भंडारा खाने के बाद ऋतिक भैया पानी पिलाने लगे सबको। फिर उनको याद आया कि अरे घर भी चलना है। इसके बाद भैया हम लोग घर की ओर निकल लिए। तो भैया गंगा नहा के बड़ा आनंद आया। बम बम बोले, बम बोले। तो भैया अगर ये वीडियो देख के तुमका भी आनंद आया तो चैनल का सब्सक्राइब कर लो। खत्म, बाय बाय, टाटा।